आज 28 नवंबर और 28 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले बीएसई ने गैर हाजिर रह रहे शिक्षकों का रोका वेतन। सोनभद्र जिले में स्थानीय ब्लॉक के नेका पूर्वी विद्यालय में गैर हाजिर रहने के बावजूद एक शिक्षक के उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर वेतन आहरित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीएसई ने भी इसका संज्ञान लेते हुए शिक्षक के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। बीईओ कौनदेव मणि पांडे और प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी जायसवाल के मुताबिक यह मामला उन्हीं के ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। उन्हें अभिभावकों ने जानकारी दी है कि नेहका पूर्वी में तैनात शिक्षक रणधीर यादव अक्सर विद्यालय से गायब रह रहे हैं। शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ जाकर देखा तो रजिस्टर में कई दिन का हस्ताक्षर वाला कॉलम खाली था। उक्त शिक्षक भी विद्यालय पर नहीं थे। इस पर उपस्थिति रजिस्टर की फोटो खींचने के साथ ही उसे व्हाट्सएप पर खंड शिक्षा अधिकारी को भेज प्रकरण को लेकर लिखित शिकायत भी सौंपी गई है। वहीं नेक्स्ट न्यूज देखें तो पंचायत चुनाव में कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को चुनौती दी गई है। लखनऊ से न्यूज है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मियों के आश्रितों को ही मुआवजा देने का प्रावधान दिया गया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह आदेश कुशलावती की याचिका पर दिया है। तो यहाँ पर ये न्यूज जो विद्या ज्ञान की परीक्षा होनी है उससे संबंधित है। सीतापुर और बुलंदशहर स्थित शिव नादर फाउंडेशन के विद्या ज्ञान आवासीय स्कूलों में प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। कक्षा छः में प्रवेश दिया जाता है। इस बार कक्षा 7 में भी प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से परीक्षा 11 से 13 दिसंबर के बीच होगी। वहीं नेक्स्ट न्यूज देखें तो भर्ती घोटाले के दोषी 5 कर्मियों को इन पर केस दर्ज है और केस चलेगा, आदेश भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने व्यक्तिक सहायक व आशुलिपिक के 808 पदों पर भर्ती ने अनियमितता के मामले में 5 कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अब इन कर्मियों के खिलाफ कोर्ट में मामला दाखिल किया जा सकेगा। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने शनिवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। बच्चों के साथ ज़्यादा दरियादिली भी दिखाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यूज है ये इसी से संबंधित है। एक प्रधानाध्यापिका ने बच्चों को छुट्टी के दिन मिड डे मील खिलाया तो उसको निलंबित कर दिया गया है। ये मामला रायबरेली के विकासखंड बहादुरपुर के कंपोजिट विद्यालय विजयपुर की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका किरण ने नौनियालों के भोजन में घोर अनियमितताएँ बरतीं। पीएसए की इस जांच में गुरु तेग बहादुर शहीद जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 9 निहालों को मध्याह्न भोजन वितरित किया गया, इस पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग से संबंधित, जो कि FLN निष्ठा ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। FLN मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में, तो इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। ये आदेश जो सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रतिभाग करने वाले होंगे वो 4 संदर्भदाता में से 3 SRG और 1 टाइट मेंटर के प्रतिभाग कराने की बात यहाँ पर कही गई है। वहीं SRG की संख्या 3 से कम होगी तो प्रशिक्षण हेतु उस जनपद के यथा आवश्यकता अनुसार टाइट मेंटर को संदर्भदाता के रूप में नामित किया जाएगा। जनपदों की सूची और प्रशिक्षण की निम्न तिथियाँ भी घोषित कर दी गई हैं। जनपद की सूची यहाँ से आप देख सकते हैं, जो पहली सूची है यहाँ से जौनपुर से लेकर वाराणसी तक की, यहाँ पर इन लोगों को 1 से 5 दिसंबर तक 9:30 से 6 बजे तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं मैनपुरी से लेकर के हापुड़ जिले तक के जो सूची है इन्हें 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से ये सूची जारी की गई है। अब हम बात करते हैं आज जो टेट परीक्षा होनी है TET उत्तर प्रदेश का होना है उसके संबंध में। तो टेट में जो भी कैंडिडेट शामिल होंगे उनको क्या दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे परीक्षा में जाने से पहले, इनके बारे में अभ्यर्थी को अवश्य जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें लगभग 13 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसमें से करीब 8 लाख ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवल के एग्जाम में शामिल होंगे। तो परीक्षा में शामिल होने जा रहे इन कैंडिडेट को आवेदन फॉर्म में जमा किए फोटो के समान फोटो लेकर जाना होगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वैध पहचान पत्र कोई होना चाहिए, UPTET परीक्षा का प्रवेश पत्र होना चाहिए और इसके साथ साथ किसी भी एक सेमेस्टर की मार्कशीट भी होनी आवश्यक है।